विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के बारे में जानना, हिंदी हमारे समाज का एक दर्पण होता है, हिंदी साहित्य का दर्पण होता है। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास कब से हुआ, हिंदी साहित्य के कितने कालों में बांटा गया, बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत से हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटने का काम किया। तो आज हम बारी बारी से उन कालों को और फिर परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं उसको लेकर के आऊँगा। पहले हिंदी के साहित्य में चलते हैं। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आता है बात हिंदी साहित्य का दर्पण होता है। इस टॉपिक को मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य को चार कालों में बांटा गया है। कितने कालों में बांटा गया है? चार कालों में बांटा गया है। ओके, याद हो गया बाबू सोनू? कितने कालों में बांटा गया है? चार कालों में बांटा गया है। ठीक, नाम कब से कब तक और उपनाम, तीन कॉलम बना लेना है। एक में नाम है, दूसरा में कब से कब तक, और तीसरा में आपको उपनाम। जैसे पूछता है कि आदिकाल को किस उपनाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है वीर गाथा का। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है बाबू आदिकाल। कौन काल है? आदिकाल। आदिकाल को 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी का जो काल होता है उसको आदिकाल कहा जाता है। आदिकाल का उपनाम है वीर गाथा काल। दूसरा है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल को 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक के काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। पूर्व मध्य काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। स्वर्ण युग काल या इसको भक्ति काल कहा जाता है। भक्ति काल या स्वर्ण युग काल इसको क्यों कहा जाता है, ये मैं आप लोगों को बताने के बाद बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। भक्ति काल हमारे ये हिंदी साहित्य का सबसे स्वर्णमयी युग था। यह युग वाकई में इतिहास के पन्नों में, साहित्य के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ओके, अब चलते हैं तीसरा, उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल 1650 से 1850 ईस्वी के काल को उत्तर मध्य काल कहा जाता है। उत्तर मध्य काल को उपनाम है बाबू रीति काल। रीति काल जिसमें श्रृंगार रस का, श्रृंगार में सागर में कागर कवि, श्रृंगार रस के कवि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको बेहतरीन जो आते हैं, जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर हो, उनका नाम है बाबू बिहारी लाल। ठीक, हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। पहले यहाँ हम लोग जान लें, अब बकाओ नहीं, और ये तो दिक्कत बड़ी अकबकाते रहता है। शांत रहो ना बाबू। हाँ, गाना सुने ला कह दो ना, तब देखो, गाना सुनाएंगे, शांत रहो। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक, जानबे करता है कि हम इसको रंगीला टीचर है, जानता है हिंदी साहित्य के जो टीचर होते हैं रंगीला। आधुनिक काल को 1850 से अब तक जो काल होता है उसको आधुनिक काल कहा गया। आधुनिक काल को बाबू गद्य काल के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, और फिर सभी काल के मुख्य कवि, उनकी मुख्य रचनाएं हम लोग चलेंगे। उसके पहले मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं आपको 2-4-5 लिखवा देता हूँ। कलम कॉपी निकाल ले और क्या कर ले, लिख ले। ठीक ना, देखा देखा वो के भूसना है, वो यूट्यूब चला बिका रे, देखो यहाँ।
रिंग टोन बंद करो, बंद करो रिंग टोन। चलो क्वेश्चन है बाबू पहला, आदिकाल को किस उपनाम से नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा वीर गाथा का। ओके, दूसरा तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा, लिख रहा है जी, खाली मोबाइल में लगल है, अमीर खुसरो। कलम के जादूगर यहीं पर लिख देते हैं ऐसे डैश दे करके, कलम के जादूगर राम ब्रिज बेनीपुरी को कहा जाता है। कलम के जादूगर क्या है? राम ब्रिज बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, कलम के सिपाही, कलम के सिपाही किनको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद। किनको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि किनको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन, नंदन पंत जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। तो हाँ दोस्तों, प्यारे छात्रों, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह से हम आते रहेंगे। फिर अगले वीडियो में आपको सभी कालों को, प्रमुख कवि, उनकी मुख्य रचनाएं और हिंदी साहित्य की और बहुत सारे, जैसे रसखान के बहुत सारे कथाएं, मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से दूंगा। इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लगे रहें। थैंक यू।